हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आज सिंगल कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। और ये देखिए फोर्थ रो की डिज़ाइन है, ये भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। जेंट्स स्वेटर में डालिए, बिल्कुल यूनिक लगेगा और बहुत ही हटके लगेगा। और आप ऐसे पतले ऊन में डालोगे तब भी अच्छी लगेगी, मोटे ऊन में डालोगे तब भी अच्छी। जैसे कोई कोई डिज़ाइन होती है ना, अगर आप उसे पतले ऊन में डाल दो तो अच्छी नहीं लगती, और कोई कोई ऐसी डिज़ाइन होती है जिसे आप मोटे ऊन में डाल दोगे तब भी नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये डिज़ाइन ऐसी है, आप इसे कैसे भी ऊन में डालो, 2 प्लाई 4 प्लाई 3 प्लाई कैसे भी ऊन में बनाओ इसे। बस अगर आपकी ऊन पतली है तो सिलाई भी पतली रखिए, ऊन मोटी है तो सिलाई भी मोटी रखिए, बस इतना ही ध्यान देना है। बाकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये हमारी राइट साइड और ये हमारी बैक साइड, बहुत ही इजीली बन जाती है, फटाफट बन जाती है, बनाने में भी मन लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जेंट्स स्वेटर में डालिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फंदे हमने डाल लिए, मान लीजिए आपने फंदे डालिए बॉर्डर बनाने के बाद। फर्स्ट रो राइट साइड सीधे की तरफ से हम शुरू करेंगे। तो देखिए पहले को तो हम स्लिप किए, दूसरे को हम उल्टा बुनेंगे, मतलब दो फंदा उल्टा एंड एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा। ये देखिए हमारी पहली सिलाई है, दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा एक, एक दो उल्टा एक फंदा सीधा। जितने भी आपके प्रोजेक्ट के फंदे हों आप इसी प्रकार से पहली सिलाई को बना लीजिए, दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इस प्रकार से आप पूरे फंदे को बना लीजिए। तो ये देखिए फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरी सिलाई, सेकेंड रो। अब इधर भी हमको ऐसे ही करना, जो जैसे दिख रहा है, उधर जो उल्टा है उधर ये सीधा, तो इधर से क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा, सेम जैसे दिख रहा है वैसे ही हमको बनानी है। तो ये है हमारी दूसरी सिलाई, और दूसरी सिलाई भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, दो सीधा और एक उल्टा, दो सीधा एक उल्टा। तो इतना बताते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस डिज़ाइन को बनाने के बाद। जैसे आप देख रहे हो वीडियो, तो ऐसा ना हो कि आपने वीडियो देखा और वीडियो समझ में नहीं आया आपको, इसलिए पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दो सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई में हम डिज़ाइन डालेंगे और चौथी को हम बताते हैं कैसे बुनना है। तो तीसरी देखिए, पहले को स्लिप किया एंड दूसरे को बुन लिया, अब धागा पीछे करेंगे, यही आपको ध्यान देना है। सीधे वाले फंदे में पहले एक बार आगे से बुनिए एक, फिर देखिए पीछे से दो, फिर आगे से तीन, मतलब एक फंदे में आपको तीन बार बुनना है, धागा आगे दो उल्टा, फिर से धागा पीछे, एक फंदे में तीन फंदे, वो भी कैसे, एक बार आगे से लूप को थोड़ा ढीला ही रखेंगे, फिर पीछे से एंड फिर आगे से, धागा आगे दो फंदा उल्टा, धागा पीछे एक आगे फिर पीछे से एंड फिर आगे। ये मतलब एक फंदे में आपको तीन फंदे बनाने हैं एंड दो फंदे आपको उल्टे बनाने हैं, फिर से एक फंदे में आपको तीन फंदा, ये फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई, थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए फोर्थ रो, फोर्थ रो पहले को स्लिप किया, धागे को आगे करेंगे, जो तीन फंदा बनाए हैं उसे हम एक कर देंगे। ये हो गई, धागा पीछे दो सीधा, धागा आगे तीनों को एक साथ बुन लेंगे, धागा पीछे दो सीधा, धागा आगे तीन फंदे को एक फंदे बना लेंगे, फिर से धागा पीछे दो सीधा, धागा आगे तीन का एक, ये धागा पीछे, तो हो गई फ्रेंड्स। फर्स्ट रो से फोर्थ रो तक मैंने आपको बताया, पहली सिलाई से चौथी सिलाई तक, यही पहली सिलाई से चौथी सिलाई तक आपको बार बार कंटिन्यू रिपीट करना है। अब फिर से वही दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा,
और उल्टे की तरफ दो सीधा एक उल्टा, थर्ड रो में जैसे मैंने आपको बताया दो उल्टा और तीसरे वाले में से एक फंदे के तीन फंदे। तो यही आप फोर्थ रो बार बार रिपीट करोगे तो ये पैटर्न आपका कंप्लीट होगा। अब आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है, एक ही फूल बना है बट कितना अच्छा लग रहा है। तो आप कैसे में भी बनाओगे ये बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राई करना और मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपको ये कैसे लगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार एंड सपोर्ट प्लीज़ 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 हम पर बनाए रखें। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। बाय बाय।